नमस्कार दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग तो दोस्तों ट्रेडिंग साइकोलॉजी का एक वीडियो आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं हाजिर कर रहा हूं एक टॉपिक दिमाग में आया था एक सब्जेक्ट मेरे दिमाग में चल रहा था कहीं मैंने सुना भी था एक बहुत ही बेहतरीन कोट एक बेहतरीन वाक्य था जिसने मुझे इंस्पायर किया ये वीडियो बनाने के लिए मार्केट जैसे कि आपको पता है ना गारंटीड कुछ भी नहीं होता है ना इसमें गारंटी नाम की कोई चीज ही नहीं होती है ना और बहुत सारे लोग मैक्सिमम लोग गारंटी चीजें सुनकर या गारंटी चीजों को गारंटीड रिटर्न प्राप्त करने के लिए स्टॉक मार्केट का रुख कर लेते हैं तो इसमें बहुत सारा एक अच्छा कोट मुझे मिला कहीं पर मैंने पढ़ा कि जिसका कोई गारंटी नहीं है ना? जिंदगी और मौत दो ऐसे चीज है जिंदगी की कोई गारंटी नहीं होती मौत की गारंटी होती है ध्यान से सुनिएगा जिंदगी की कोई गारंटी नहीं होती है और लेकिन मौत की गारंटी होती है लेकिन हम मौत को छोड़ के हमेशा जो गारंटीड वाला चीज है उसको छोड़ के जो बिना गारंटी वाला चीज है जिंदगी हम हमेशा उसको बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं और उसको हमेशा प्राप्त करने की कोशिश करते हैं जिसकी गारंटी ही नहीं है कि मैं बैठे बैठे भी हार्ट अटैक में आ जाएगा मैं मर जाऊंगा है ना मौत गारंटीड होती है मौत से लोग भागते हैं जबकि वो गारंटी है उसको होना ही है उसको आना ही है मरना ही है मौत वो गारंटीड है फिर भी लोग उससे भागते हैं जिंदगी जिसकी कोई गारंटी नहीं होती है लोग उसके बेहतर बनाने के लिए उसको बेहतर से बेहतर करने के लिए बहुत कुछ उसमें प्राप्त करने के लिए लगे रहते हैं दिन रात एक सुबह से उठते हैं और लगे रहते हैं जबकि पता है कि इसकी कोई गारंटी नहीं है इस जीवन की कोई गारंटी नहीं फिर भी यही सेम थॉट स्टॉक मार्केट में भी अप्लाई होता है कि इस स्टॉक मार्केट में गारंटीड रिटर्न गारंटीड वर्ड गारंटीड मूवमेंट, गारंटीड परसेंटेज ये कहीं कुछ नहीं होता कहीं कुछ नहीं होता नथिंग नीलवटा सन्नाटा लेकिन हम में से बहुत सारे लोग उसी गारंटीड चीजों को खोजते रहते जैसे सवाल आते ही रहते मेरे पास कि इसमें आप मुझे बताइए जैसे कल ही एक व्हाट्सएप पर मैसेज आया था मैं आपको पढ़ाता हूँ एक मैसेज आया था उस मैसेज में उन्होंने जो लिखा था वो बहुत ही बेहतरीन चीज है मतलब एक लाइन लिखा था क्या आप मेरी लॉस रिकवर करने में मदद करोगे एक सवाल यही था सवाल नहीं मतलब आप रिक्वेस्ट कह सकते हैं एक सवाल यही था क्या आप मेरा लॉस रिकवर करने में मदद करोगे तो बात है लॉस उनको हो गया तो वो रिकवर करने की जरूरत गारंटी ढूंढ रहे हैं कि कहीं हमारा लॉस रिकवर परेशान लोग जो होते हैं कहीं कहीं उम्मीद देखते हैं तो वो आना चाहते हैं बात करना चाहते हैं मैं उनको और उन जैसे वैसे लोगों को मैं यही कहूंगा कि भाई आप अगर फिर से इस चक्कर में पड़ेंगे कि लॉस रिकवर हो जाएगा गारंटीड गारंटीड रिटर्न बन जाएगा पक्का तो आप फिर से अपने जो गारंटीड वाली चीज है उससे दूर भाग रहे हो और बिना गारंटी वाली चीज को पकड़ना चाह रहे हो तो डेफिनेटली और जरूर हंड्रेड परसेंट आपको और बड़ा लॉस होने वाला है क्यों क्योंकि जिसकी गारंटी नहीं है आप उसी के पीछे पड़े हो है ना जिसकी गारंटी नहीं है अब इसका मतलब मौत गारंटीड है तो इसका मतलब अभी हम मर जाए ऐसा भी नहीं है है ना ये भी नहीं करना है हालांकि बहुत सारे लोग वीडियो का दो लाइन शुरुआत में सुन के ही भाग गए होंगे और कमेंट भी लिख देंगे अरे तो इसका मतलब अभी हम मर जाए भाई पूरी बात सुनिएगा तो क्या है कि अब मौत तो पक्का है मरेंगे लेकिन क्या हम अभी मर जाए अगर गारंटी डे तो क्या हम मर जाए नहीं जीवन जीने का एक सार होता है जो मैंने बहुत साल पहले सीखा था समझा था और अपने दिमाग में बैठा लेता एक लाइन लिखी हुई थी किताब में मैं जब थर्ड क्लास में था थर्ड क्लास या फोर्थ क्लास में था तो मैंने एक लाइन पढ़ा था क्योंकि मुझे किताबें पढ़ने का शौक रहता है मैं पढ़ता रहता हूँ कुछ ना कुछ किताबें लगी रहती तो उसमें एक लाइन लिखा था जब तक मौत नहीं आएगी तब तक जीऊंगा ये लाइन और तब से मेरे दिमाग में वो है सेट है कि जब तक मौत नहीं आएगी मैं तब तक जीऊंगा कल हम मरने वाले हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम आज से और अभी से सांस लेना बंद कर दें है ना जब आएगी तब आएगी आना है गारंटीड वो उसमें कहीं कोई कमी नहीं आना तय है तो जो चीज गारंटीड नहीं है हम उसके पीछे उसको बेहतर बनाने के लिए तो भागते हैं लेकिन हम किसी बिना किसी प्लानिंग के भाग रहे होते हैं हम मार्केट में भी यही करते हैं कि हम प्रॉफिट बनाना चाहते हैं हम गारंटी रिटर्न प्राप्त करना चाहते हैं लेकिन उसके लिए कहीं कोई प्रॉपर प्लानिंग, को प्लानिंग नहीं करते बस सुबह उठे, उठे उधेड़ में लगे रहते हैं कि भाई कहाँ से हमारे हमारी लाइफ और बेहतर हो जाए कल से आज कुछ अच्छा हो जाए है ना इस चक्कर में लोग पूरा जीवन व्यतीत करते हैं स्टॉक मार्केट में भी उसी मेंटिलिटी के साथ लोग आते हैं कि भाई देखो लाइफ बेहतर बनाना है पैसा बनाना है स्टॉक मार्केट से ही बनाना है कौन मेहनत करता है स्टॉक ढूंढो चार्ट देखो पढ़ो मेथड लगाओ दिमाग लगाओ कौन देखता है कोई नहीं ऐसा करो किसी टिप्स प्रोवाइडर को पकड़ो उसको पैसा दो उससे टिप्स लो और पैसा लगाओ और फिर वो लोग लॉस लो करते हैं और फिर वो लॉस रिकवर करने के चक्कर में वो उन टिप्स प्रोवाइडर को और ज्यादा पैसा देते हैं और उसके चक्कर में क्या होता है कि और लॉस हो जाता है फिर वो हम जैसे लोगों को ढूंढते हैं कि मैं तुम लॉस रिकवर करा दो भाई मैंने नहीं करवाया ना आपका लॉस पहली बात तो ये और आप अभी भी वही काम कर रहे वही ढूंढ रहे दूसरी बात एक व्यक्ति ने भी बहुत सारा पीडीएफ मुझे भेजा था अगर वो पीडीएफ पढ़ाऊंगा तो गजब क्या स्कैम था उसमें बहुत ही इस जबरदस्त स्कैम था प्रॉफिट का पैसा लेने के लिए भी पैसा मांगा जा रहा है और एक्चुअली वो प्रॉफिट था नहीं वो स्कैम था इस तरह के बहुत सारे मुझे लोगों ने भेजे देखे सर किस तरह का स्कैम चल रहा है तो मैं तो ज्यादा बेहतर बन सकता है जबकि के चक्कर में वो गाली भी सुनता होगा जैसे आपके पास भी टिप्स प्रोवाइडर का फोन आता होगा फलाना एडवाइजरी तो आप गाली उली भी देते होंगे उसको वो सुनता भी है ना सुनता भी तो गाली सुन के भी वो जो है ये स्कैम करने से पीछे नहीं हटता इतना बेशरम लोग होते हैं हैं जो इस कैमर होते तो क्या है मेरा ये मानना है और ये मेरा ये मेरा कहना है कि भाई आपको पैसे बनाने हैं स्टॉक मार्केट में तो आप इसको जिंदगी और मौत की तरह देखिए कि गारंटीड नहीं होता प्रॉफिट मतलब जिंदगी मौत मतलब लॉस तो लॉस का गारंटीड है कि अगर आपको प्रॉफिट नहीं होगा तो लॉस तो होगा ही होगा लेकिन क्या हम जिंदगी के एक ही क्षण में हम अपने पूरी लाइफ के एक ही साल में या एक ही महीना में वो सब प्राप्त कर सकते हैं तो आंसर आएगा नहीं प्राप्त कर सकते हम सब चीज प्राप्त नहीं कर सकते हमें सीढ़ी बाई स्टेप बाई स्टेप चलना होता है कल फ्रिज खरीदा परसों अलमीरा खरीदा या डेकोरेशन का सामान खरीदा घर खरीदा वो खरीदा एक एक करके ना सब एक साथ नहीं हो पाएगा तो उसी तरह से जब आप

वो लोग जो कर रहे हैं वो अपने स्तर से सही कर रहे होंगे गलत करेंगे वो नेचर देख लेगा वो प्रकृति देख लेगा उसको वो अगर गलत किया होगा तो उसके साथ गलत होगा वो अच्छा कर रहा होगा तो उसके साथ अच्छा होगा आपके दिमाग में फिल्टर है आपको पता है कि कौन अच्छा है और कौन बुरा है क्या सही है और क्या गलत है और आपको खुद से डिसीजन लेना चाहिए क्योंकि आप स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं ना स्टॉक मार्केट में ना जब कोई आ जाता है तो मैं मान के चलता हूँ कि वो एक डैश डैश लेवल से ऊपर उठ चुका है ठीक है इसलिए वो स्टॉक मार्केट में आया है माने डैश मतलब एक अच्छा बुद्धि का व्यक्ति वो बन चुका है तभी तो वो स्टॉक मार्केट में आ रहा है अदरवाइज सारे लोग तो थोड़ी स्टॉक मार्केट में आते हैं एक परसेंट से भी कम है स्टॉक मार्केट में लोगों का ट्रेडिंग करने का दो परसेंट पकड़ लीजिए पूरी आबादी का है ना तो जो समझदार ज्यादा होते वही तो स्टॉक मार्केट में आते हैं तो इस मेरा मानना है कि जब आपने समझदारी आ गई है तो फिर अच्छा और बुरा को फिल्टर करने का भी तो आपने समझदारी होगा है कि नहीं तो आपको वो खुद देखना है कि गारंटीड इस संसार में होता नहीं है आप अपने बच्चे से भी हंड्रेड परसेंट गारंटी की उम्मीद नहीं कर सकते कि वो डांस में अच्छा हो जाए सिंगिंग में अच्छा हो जाए पढ़ाई में भी तेज हो जाए खेल में भी तेज हो जाए स्पोर्ट्स में भी एकदम रैंक लाभे ऐसा नहीं हो सकता है ना हर चीज में परफेक्ट नहीं बन सकते तो गारंटीड यह नहीं होता या तो बच्चा पढ़ाई में अच्छा होगा या खेलकूद में अच्छा होगा या फिर सिंगिंग में होगा या फिर डांसिंग में होगा और सब में एवरेज होगा है ना ऐसा होता है हर हर चीज चीज परफेक्ट नहीं हो सकता हर में गारंटीड यही नहीं हो सकता कि मेरा बाप ने ये किया तो मैं भी यही करूँ ऐसा गारंटीड करके नहीं चलता फलाना इसने किया तो भी वो करेगा गारंटीड आ जाओ इतना पैसा दे दूंगा वो नहीं चलता जिंदगी की लाइन ऊपर नीचे चलती रहती तो आप जीवित है मार्केट में भी ऊपर नीचे स्टॉक चलता रहता है तो स्टॉक जीवित है तो गारंटीड कुछ भी नहीं होता है गारंटीड हो जाने का मतलब है लाइन सीधी हो जाएगी मौत हो जाएगा खत्म हो जाएगा तो मेरा मानना यह है कि दोस्तों कि आप गारंटी वाले वर्ड से गारंटी वाले स्कीम से गारंटी वाले स्केमर से जिस वर्ड जहां पे गारंटीड लग जाए कि ये रिटर्न आप समझ कि झोल है है ना सिर्फ गारंटीड रिटर्न फिक्स डिपॉजिट में मिलता है ये आज के समय में जान लीजिए गारंटीड रिटर्न सिर्फ फिक्स डिपॉजिट में मिलता है एफ में जिसमें सालाना सात परसेंट रहता है वो फिक्स ठीक है उसे में मिल सकता है स्टॉक मार्केट में गारंटीड रिटर्न नहीं मिलेगा और गारंटी रिटर्न के लालच में अगर आप आएंगे तो आपके पूरे कैपिटल वाइप आउट हो जाएंगे तो आप अपने दिमाग को देखिए अपने दिमाग को सोचिए दिमाग को समझिए पढ़िए लिखिए जो करना है करिए नॉलेज प्राप्त करिए पर गारंटीड रिटर्न के लालच से दूर रहिए समझ मारा है अगर आपके साथ भी कोई स्कैम हुआ है अगर आपके साथ भी कोई धोखाधड़ी हुआ है तो आप मुझे मेरे साथ शेयर कर सकते हैं मैं आपको लेकर और आपके साथ आपसे बातचीत करके उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा ताकि बाकी लोग भी जागरूक हो सके तो अगर आपके साथ स्कैम हुआ है किसी टाइप का ट्रिप प्रोवाइडर के द्वारा या किसी और चीज के द्वारा तो आप मुझे बताएं शेयर करें अगर मुझे लगेगा कि वो और लोगों के साथ बताने का चीज है जागरूक करने का चीज़ है तो मैं बाकी लोगों को भी उसके बारे में वीडियो बना के बताऊंगा ठीक है चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों